एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने एक नया जॉनर स्टार्ट किया है इंडिया के अंदर, जिसे कहते हैं डार्क गिल्टी प्लेजर। वो सब कुछ जो आप स्क्रीन के ऊपर होते हुए देख रहे हो ये गलत है, लेकिन फिर भी वो एंगर, वो लस्ट, वो देखने में आपको मजा आता है। देखो, 5 टेक्निक्स है संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवीज में यूज करते हैं ताकि आपको हुक करके रखे, और ये आपको अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल सब में खुल्लम खुल्ला मिलेगा। आज उस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे विजुअल आइडेंटिटी। ऑडियंस के सामने हमारा मेन लीड हाईलाइट होना चाहिए। एक सिंपल एनिमल का एग्जांपल, सारे गुंडे ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम में, लेकिन सिर्फ एनिमल व्हाइट कलर, और ये व्हाइट कुर्ता विजुअल आइडेंटिटी सेट करिए। और इस व्हाइट कुर्ते की विजुअल आइडेंटिटी को रणबीर कपूर के ऊपर जब जब वो ब्रूटली कुछ एक्शन करता है जानबूझ के यूज किया गया, फिर चाहे वो एक्शन सीन्स इंटरवल के पहले का मशीन गन के साथ हो, या फिर एकदम लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अब्रार का भाई ब्रूटली एक किक को मारता है, उस वक्त भी व्हाइट कपड़ा। अब देखो, व्हाइट कपड़े पे जब ब्लड उड़ेगा कंपेयर टू किसी भी दूसरे कलर से ब्लड ज्यादा हाईलाइट हो। टेक्निक नंबर 2, आइडियोलॉजी। मूवी के स्टार्ट में ही हमें राजा और बंदर की कहानी बताकर हिंट दे दिया गया है कि मूवी का एक्चुअल प्लॉट क्या होने वाला है। उसके बाद अल्फा मेल की आइडियोलॉजी बताई गई, जिसमें मेल के अंदर हमेशा से एक डोमिनेंट जीन रहा है, और संदीप रेड्डी वांगा इतना एक्सट्रीम चला जाता है अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, ये 1% भी थोड़ा सा भी नहीं हिचकी जाता है कि भाई इससे लोग क्या सोचेंगे, क्या दूसरी साइड भी हो सकती है इसकी। नहीं, मूवी के अंदर खुला दिखा दिया है कि मेल डोमिनेंट है फीमेल जीन को, और वांगा सर का ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे दिखाना है कि बहुत सारे फेमिनिस्ट ट्रिगर हो जाते हैं। एनिमल के बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि वांगा एक्चुअली चाहते थे कि मैं ट्रिगर करूँ लोगों को, स्पेशली जो मेरे कबीर सिंह की मूवी से ट्रिगर हुए थे, उनकी तो मैं कह के लूंगा इस मूवी के अंदर। और इसी डोमिनेंट मेल की आइडियोलॉजी को कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी और इनफैक्ट एनिमल के अंदर सीन टू सीन एग्जैक्ट सेम देखा है हमने। क्लासरूम का सबसे बड़ा एग्जांपल है, पूरी क्लास के सामने कबीर प्रीति को बोलता है कि लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे पढ़ाई पे ध्यान दे, अदरवाइज मैं तेरे को एनाटॉमी सिखाता हूं, चल निकलते हैं। फिर चाहे एनिमल के अंदर अपनी बहन का हाथ पकड़ के चलती क्लास के अंदर लेके गया, और साला कौन था जिसने मेरी बहन को तंग किया। टेक्निक नंबर 3, गुस्सा एंगर का इमोशन दिखाने में ये बंदा किंग है। अब देखो, जितना भी मैंने संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यूज देखे हैं उससे ये पता चला है कि ये बंदा बिल्कुल भी सोशल नहीं है, इसको सोशल ड्रामा से सख्त नफरत है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू ने पूछा कि क्या ये कबीर सिंह से ज्यादा अच्छी मूवी है, वांगा सर का रिप्लाई, हाँ, फालतू का शुगर कोटिंग मेरे को करने का ही नहीं है, जो क्लियरली दिखाता है कि इस बंदे के अंदर 2400 घंटे कितना ज्यादा डार्कनेस है। और ये जो मैंने कहा डार्कनेस, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में संदीप रेड्डी वांगा का जब अर्जुन रेड्डी हिट हुआ था उसके बाद उन्होंने एक टेड टॉक दिया था, आप एक बार वो पूरा देखना, उसमें उस बंदे ने अपनी स्ट्रगल बताई, अपना रिजेक्शन बताया, उसका डिप्रेशन में जाना बताया, मतलब आप समझ रहे हो संदीप रेड्डी वांगा डिप्रेशन में जाना। ऐसे टाइम में तो ये एकदम ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि बंदे ने अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर लिखा, और इसे इसके ये पहले कैरेक्टर से इतना प्यार है, उसने अपने खुद के बच्चे का नाम अर्जुन रेड्डी रखा है। तो सोसाइटी के अंदर जो भी ओवर ड्रामेटाइज्ड चीज है, सोसाइटी का रिजेक्शन जो इसने सहा है, उस एंगर को इसने मूवी के अंदर लाया। अब ये जो हेटरेट है डायरेक्टर का सोशल ड्रामा को, इसको हमने कबीर सिंह में बहुत अच्छे से देखा है। जब कबीर प्रीति की फैमिली को मिलने जाता है, उस वक्त पे कबीर सिंह का एटीट्यूड, हेलो हाय ये सब कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं, दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अब ऑब्वियसली किसी फादर का रिएक्शन क्या होगा, भाई मुझे मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना, ये कौन पागल है, किसी तरह की कोई तमीज नहीं है इसके अंदर, कोई कल्चर नहीं है, बस मिल गया ट्रिगर पॉइंट। उस वक्त पे कबीर प्रीति पे फटता है, भाई तेरे को मेरे से शादी करनी है, कर नहीं तो मैं निकलता हूं। और यही वांगा सर का सोशल ड्रामा के ऊपर जो एंगर है, गुस्सा है, वो इन्होंने एनिमल के अंदर भी दिखी। पार्टी अटेंड कर रहा है, उसके फादर के बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सबको हेलो हाय नमस्ते, एक घंटा ये सब नहीं करने का मेरे को। उस वक्त पे फैमिली का मेंबर आगे बोलता है, जाके स्पोर्ट्स कार्ड चला, पैसे उड़ा, ये सब क्या कर रहा है। इन शॉर्ट, वांगा सर की मूवीज के अंदर हम जितने भी कैरेक्टर्स, लीड एक्टर्स देखते हैं, वो एक्चुअल में इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। जहां एनिमल के अंदर कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, लेकिन उसे सिखाया जा रहा है कि इसी तरीके से चलते हैं हम, सर झुका के, हेलो हाय करके, नमस्ते प्रणाम करके, वो बंदे को ये सब एक्सेप्ट है ही नहीं। सिमिलरली कबीर को भी अगर प्रीति का हाथ मांगना है, तो उसके फादर के साथ तौर तरीके से एकदम रिस्पेक्टफुल होके, वो सारे तरीके से उसका हाथ मांगना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, वांगा सर की मूवी के अंदर सोशल ड्रामा का एंगर, गुस्सा कूट कूट के मिलेगा भाई। अब आते हैं नंबर 4, साउंड डिजाइन। एनिमल मूवी में जो मशीन गन का सीन है, जो इंटरवल के पहले का, उसमें हर कोई हेडफोन पहन लेते हैं, और फिर एक गाना चलता है मराठी, धतंग धतंग, क्या गाना था वो, इसे कहते हैं नीडल ड्रॉप टेक्निक। इसके डिटेल के बारे में हमने अनिरुद्ध की म्यूजिक एनालिसिस के ऊपर बात की है, आई बटन में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊं आपको कैसा फील करना चाहिए उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, उसके लिए नीडल ड्रॉप टेक्निक के अंदर जो लीड एक्टर होता है, वो खुद हेडफोन पहन लेता है, ईयरफोन लगा लेता है, और फिर म्यूजिक चलाता है, और उस वक्त पूरी जो वाइब है उस सीन की, वो चेंज हो जाती है। दिखने में वो सीन चाहे जैसा भी हो, लेकिन म्यूजिक आपको फील करवाता है कि अब आपको हाई फील करना है, लो करना है, या मीडियम में। अब आता है आखिरी नंबर 5, एग्जैजरेशन। ये मेरा फेवरेट है, बड़ा चढ़ा के सब कुछ दिखाओ। आपको आदत नहीं है इंडियन मूवीज में वायलेंस देखने की, बड़ा चढ़ा के दिखाऊंगा। आपको आदत नहीं है इंडियन मूवीज के अंदर सेक्स के बारे में बात, या सेक्स पोजीशन के बारे में बात, तो बड़ा चढ़ा के दिखाऊंगा। सिंपल एनिमल के अंदर उसने हस्बैंड वाइफ का झगड़ा दिखाया, दोनों बच्चे बेडरूम में सोए हुए, रात का टाइम है, अब झगड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे वायलेंट हो रहा है, एकदम से एक्सट्रीम दिखाने के लिए शॉटगन, जिंदी छोटी मोटी गन भी
ने डायरेक्ट शॉटगन शूट कर दिया बेडरूम में। दूसरा एग्जांपल विलन अबरार, कम से कम टाइम में मैक्सिमम पावर ऑफ विलन दिखानी है। जैसे ही इसे पता चलता है कि मैसेंजर मर गया तो ये फोक से खोप खोप के उसको वहीं पे मार देता है, पूरा लाल लाल ब्लड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैजरेशन होगा, नहीं। अब ये जो गुस्सा है इसके अंदर भरा हुआ कि मेरे भाई को मार दिया, उसको बाहर निकालने के लिए अपनी तीसरी वाइफ का रेप करता है लिटरली। तीसरा एग्जैजरेशन मशीन गन के फाइट सीन के बारे में तो क्या ही बोले, एक्सट्रीम इलॉजिकल लेवल पे जा चुका था कुछ मोमेंट्स पे। वो इधर से बॉम्ब फेंक रहा है, फिर ये लोग उठा के उसके ऊपर बॉम्ब फेंक रहे। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कॉमेडी चल रही थी, लेकिन मजा आया ना आपको वो मशीन गन देख के। ऐसी मशीन गन भाई बनती ही नहीं है, तो जो चीज बनती ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में ही नहीं है, वो चीज क्यों दिखा रहा है कोई अपने वॉयलेंस में। लेकिन ये मूवी संदीप रेड्डी वांगा की है, एक एक पार्ट बनवाया है रियल में मशीन गन का। 300 लोग बिल्डिंग में घुसे, सब पे मशीन गन चला दी। और आखिरी इतना बस नहीं था कि इसने एंड के अंदर एक और रणबीर कपूर ला के जो ब्रुटैलिटी दिखाई है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा इंडियन सिनेमा में मैंने कब इतना ब्रुटैलिटी देखा था। आपके लिए इन पांच में से कौन सी फेवरेट टेक्निक है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेकिंग को और डीप में समझना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपके स्क्रीन पे। अगर आप चाहते हो ऐसे और भी वीडियोस मुझे यूट्यूब रेकमेंड करे तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपने भी क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया। थर्सडे को आर्चीज, फ्राइडे को रेबल मून का रिव्यू, एनिमल के ऊपर हमने हमारे नए पॉडकास्ट दिल दोस्ती सिनेमा पे डिटेल में डिस्कशन किया है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ। वीडियो आपके स्क्रीन पे, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।